चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। इसमें हम लोग कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 9वीं तक की सभी बुक्स जो आपके लिए जरूरी हैं, सिविल सर्विस हो, फिर चाहे कोई स्टेट पीसीएस हो, उन सब के लिए जो भी आपकी महत्वपूर्ण है, जितनी भी हैं, सभी कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब कक्षा 10वीं की बात अगर हम करें तो इसमें आपका लोकतांत्रिक राजनीति सेकेंड, समकालीन भारत सेकेंड, आर्थिक विकास की समझ भारत और समकालीन विश्व सेकंड, ये चार बुक्स खत्म कर चुके हैं। हम लोग बात कर रहे थे विज्ञान पर, और ये कक्षा 10वीं की लास्ट बुक है। तो इसके खत्म होने के बाद आपकी कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक की सभी बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं। और इस बार आपने देखा है, वैसे तो आप हर बार देखिए, प्रीलिम्स देख लीजिए, मेंस देख लीजिए, आप लोग आपके क्वेश्चंस हमेशा अगर आप सॉल्व करने की स्थिति में पहुंचना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी एक से दो बार, कम से कम एक से दो बार, और जितना टाइम आपके पास हो अधिक बार पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए। उस समय रहते हुए आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि हर बार आपको क्वेश्चंस बिना एनसीईआरटी के आप सॉल्व करने की स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसमें आपके हमारा 3 चैप्टर खत्म कर चुका था, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, दूसरा था अम्ल क्षारक एवं लवण, और तीसरा था धातु एवं अधातु। इसमें विज्ञान में कक्षा 10वीं के विज्ञान में हमें बात करना है कार्बन एवं उनके यौगिक के बारे में। इससे पहले आपकी जितनी भी क्लासें ली गई हैं, कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, पुरानी पढ़नी है, नई पढ़नी है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में बात कर चुके थे। और एनसीईआरटी पूर्ण एनसीईआरटी किताबों का पूर्ण कवरेज के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में सभी चैप्टर वाइज चैप्टर डले हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कार्बन कार्बन और उनके यौगिक। ए आपका 4वां अध्याय। पिछले अध्याय में हमने अनेक ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम कुछ अन्य रोचक यौगिकों एवं उनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम एक तथ्य के रूप में कार्बन का भी अध्ययन करेंगे, जिसका हमारे लिए तात्विक और संयुक्त दोनों रूप में अत्यधिक महत्व होता है। अब कई लोग बोलते हैं कि बड़ी क्लासें हो जाती हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, मैं भी कर सकता था कि शॉर्ट नोट्स बना लेता और आपको पढ़ा देता, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको उससे समझ में आएगा। तो आपके सामने पूरी बुक्स रखी रहेगी, और बिना आप सोचिए कि बिना बुक्स से देखे, बिना बुक्स की शक्ल देखे आप एनसीईआरटी पढ़ लें, मुझे नहीं लगता है कि संभव है। नोट्स बनाने का मतलब होता है कि उनमें से वो जानकारी निकाल लेना जो एक तरह से जरूरी है। लेकिन मेरा मानना है कि एनसीईआरटी एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग नोट्स पर बात कर लेंगे। इसमें बता दूंगा कि ये पढ़ना है आपको, एक टॉपिक नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बेहतर रहेगा इस तरह से। तो मैं इसलिए बुक्स पूरी लेके चल रहा हूं। इसमें क्रियाकलाप, इस क्रियाकलाप के बारे में एक सामान्य जानकारी याद रखिए कि आपको करने नहीं बैठ जाना है, आपको पढ़ना है और निकल जाना है। ठीक है, एनसीईआरटी का पढ़ने का एक मतलब यही है, अच्छा समाधान की एक से दो बार पढ़िए और निकल जाइए, बड़े ध्यान से पढ़िए। लेकिन सुबह से आपने जिन वस्तुओं का उपयोग अथवा उपयोग उपभोग किया है, उनमें से 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। इस सूची को अपने सहपाठियों द्वारा बनाई गई सूची के साथ मिलाइए तथा सभी वस्तुओं को साथ में दी गई सारणी में वर्गीकृत कीजिए। एक से अधिक सामग्रियों से बनी वस्तुओं को सारणी में के उपयुक्त स्तंभों में रखिए। अब मैं वही कहूंगा बार बार कि आपको ये वस्तुएं इकट्ठी करने नहीं लग जाना है। ठीक है, आप मन में सोच लीजिए जो भी करना आपको और आगे निकल जाइए। ये उन्हीं प्रयोगशालाएं और क्रियाकलाप उन्हीं लोगों के लिए होता है जो फ्री बैठे रहते हैं या जो इस क्लास में पढ़ते हैं। आपके लिए केवल केवल आपको अपना एक तरह से नींव रखनी है, यानी कि जो सरल शब्द है उन्हें जानना है और आगे निकल जाना है। आपके द्वारा भरी हुई उपयुक्त सारणी के अंतिम स्तंभ में आने वाली वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। आपके शिक्षक आपको बताएंगे कि इनमें से अधिकांश वस्तुएं कार्बन के यौगिक से बनी है। इसका परीक्षण करने के लिए क्या आप कोई विधि सोच सकते हैं? कार्बन से युक्त यौगिकों को जलाने पर क्या उत्पाद मिलता है? क्या आपने इसकी पुष्टि करने वाली किसी परीक्षण को जानते हैं? आपके द्वारा सूचीबद्ध की गई भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तकों आदि अनेक वस्तुएं इस सर्वतोमुखी तत्व कार्बन पर आधारित होती है। इनके अतिरिक्त सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं। भूपर्पटी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है। भूपर्पटी में खनिजों जैसे कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, कोयला, पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.0% कार्बन उपस्थित है तथा वायुमंडल की बात करें तो 0.03
कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अत्यधिक महत्व है। इस अध्याय में हम कार्बन के इन गुणों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण कार्बन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सीधा सा आपको कार्बन का महत्व बताया जा रहा है कि कार्बन आखिर क्यों जरूरी है। कार्बन में आबंधन सह संयोजी आबंध। पिछले अध्याय में हमने आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों का अध्ययन किया। हमने देखा कि रासायनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं और ये विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। हमने देखा कि आयनिक यौगिकों में आबंधन की प्रकृति इन गुणधर्मों की व्याख्या करती है। जैसा कि आपने अध्याय दो में देखा कि अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते, यानी कि विद्युत में आप देखते होंगे विद्युत उपकरणों में कार्बन का उपयोग अच्छे चालक ना होने के कारण उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इस बार का UPBCS देखिए, आप लोग किसी बार का भी देखिए, अगर आपने NCERT पढ़ी है तो आप बेहतर स्कोर करने के लायक बन जाते हैं। ठीक है, उपयुक्त यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांकों को, जो कि रसायन आयनिक यौगिक के क्वथनांक तथा गलनांक की तुलना में काफी कम है। अध्याय तीन के आंकड़ों 4.0 के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है, चूंकि अधिकांश ये यौगिक बहुत ही विद्युत के कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं कुचालक। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन यौगिकों के आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। ये कार्बन के कुछ यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक दिए गए हैं। ये यौगिक हो गया आपके, ये गलनांक हो गया, ये क्वथनांक हो गया। एसिटिक एसिड, इसका सूत्र क्या है, CH3COOH, इसका गलनांक कितना है 290 और क्वथनांक क्या है 391। क्लोरोफॉर्म की बात करें तो इसका क्या है, इसका आप देखेंगे गलनांक हो गया 209 और क्वथनांक 334। एथिनॉल की बात करें तो 156 इसका गलनांक हो गया और क्वथनांक हो गया 351। मेथेन की बात करें तो 90 हो गया इसका गलनांक और 111 हो गया इसका क्वथनांक। कक्षा 9वीं में हमने विभिन्न तत्वों की संयोजन क्षमता अथवा संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर इसकी निर्भरता के बारे में अध्ययन किया। अब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है 6। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है 6। कार्बन के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा, कार्बन में कितनी संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे। हम जानते हैं कि बाहरी कोष को पूरी तरह से भर देने अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है। आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या फिर उनके ह्रास करके इसे प्राप्त करते हैं। कार्बन के सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। यदि इन इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना या फिर खोना हो तो जैसे इसमें 4 है लास्ट में, तो या तो 4 ये खो दे मतलब दूसरे को दे दे, दान दे दे, या किसी और से दान ले ले तो इसकी कक्षा पूरी हो जाएगी। तो किस तरह से ये प्राप्त कर सकता है या खो सकता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4 रेडाइन बना सकता है। और लेकिन 6 प्रोटोन वाले नाभिक के इस 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C+C4+ धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटोन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अन्य तत्व भी इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणुओं के बाहरी कोष के ही होते हैं। इनके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। कार्बन के यौगिकों की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने कुछ सामान्य अणुओं को समझते हैं। आप लोग सीधी सी बात है कि आपके पास एक पैर का जूता है और आपके पड़ोसी के पास भी एक पैर का जूता है, या तो आप बेहतर क्या रहेगा, या तो आप उसे दे दीजिए या उससे आप ले लीजिए, यही ऑप्शन करोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि एक तुम पहनते रहिए एक आप पहनते रहिए, तो एक तरह से अजूबे लगोगे, समझ रहे हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि या तो तुम दूसरे को दान दे दीजिए या दूसरे से दान ले लीजिए। इस तरह से बने अणुओं में सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन का है। जैसा कि आपने पहले अध्ययन किया है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है 1, कितनी 1। अतः इसके के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन,
तथा के कोष को भरने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइड्रोजन के दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु H2 बनाते हैं। परमाणु परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है, जिसके के कोष में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हम बिंदु अथवा क्रॉस का उपयोग कर सकते हैं। यहां देखिए चित्र, हाइड्रोजन परमाणु H2O साझेदारी के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, H1 HH H2O, ठीक है, हो गया। इसके बाद आप देखें, आगे देखें, इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजी एक आबंध बनाते हैं। इस आबंध को दो परमाणुओं के बीच एक रेखा के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, जैसा कि चित्र 4.2 में यानी कि 4.2 में दर्शाया गया है। इस तरह से देखिए, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच एकल ए दिख रहा है, ए है एकल बंध। आप लोगों ने देखा होगा कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में रहते थे तब आपको बेहतर समझ में आता था ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कोष क्या होता है, के कोष क्या होता है, एल कोष क्या होता है। लेकिन क्या रहता है कि आप निकल गए वहां से, आपने ध्यान भी नहीं दिया और सब कुछ छोड़ दिया। वो कहते हैं ना कि कहते हैं कि मैथ आपको एग्जाम देते हैं तो कह देते हैं 10वीं लेवल का मैथ आता है, इंग्लिश 10वीं लेवल की आती है। तो क्या आप समझते हैं कि आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो क्या 10वीं लेवल का जो मैथ आपने पढ़ा है वही आ रहा है? बिल्कुल नहीं, पैटर्न बिल्कुल बदल जाता है। हाँ, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो आपने किया है 10वीं तक वही, लेकिन ये अलग तरह का मैथ रहता है, ठीक है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 10 है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, बात करिएगा 17 है, कितनी 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजकता क्या होगी? क्लोरीन दुई परमाणु अणु Cl2 बनाती है। क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं? याद रखिए, केवल संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन को ही चित्रित करने की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच द्वि आबंध का बनना दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु के एल कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है? 8 होती है। इसे अष्टक पूरा करने के लिए दो और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणु के साथ दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, जिसमें हमें चित्र 4.3 के अनुसार संरचना प्राप्त होती है। ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु के द्वारा प्रदान किए गए दो इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉनों के दो सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसे दो परमाणुओं के बीच द्वि आबंध बनना कहते हैं। इस तरह से आप देखिए, ऑक्सीजन परमाणु O2, ये आपका द्विबंध है, ठीक है, क्या है? द्वि आबंध। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच दोहरा आबंध। फिर आप देखेंगे, क्या अब आप जल के अणु को चित्रित कर सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन के एक परमाणु एवं हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच आबंध की प्रकृति को दर्शाया गया है? इस अणु में एक आबंध है अथवा द्वि आबंध है। अब आइए, नाइट्रोजन के द्वि परमाणु अणु में कैसा आबंध होगा? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयोजन क्षमता क्या होगी? अष्टक प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन का प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन के 3 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसे दो परमाणुओं के बीच त्रि आबंध का बनना कहा जाता है। N2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और इसके त्रि आबंध कुछ चित्र 4.4 के अनुसार दर्शाया जा सकता है। इस तरह से, और ये इसमें दिख रहा होगा 3 लाइन, यानी कि त्रि आबंध है। क्या है? त्रि आबंध है। आगे चलते हैं हम लोग। अमोनिया के अणु का सूत्र है NH3। अमोनिया के अणु का सूत्र क्या है? NH3। क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को चिन्हित कर सकते हैं जिसमें यह दर्शाया गया हो कि कैसे सभी 4 परमाणुओं को उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त हुई है? इस अणु में 1, 2 अथवा 3 कौन सा आबंध होगा? अब हम मेथेन को देखते हैं, जो कार्बन का यौगिक है। ईंधन के रूप में मेथेन का आधिकारिक उपयोग होता है। यह बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक है। मेथेन का सूत्र होता है CH4। और जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और कार्बन चतुर संयोजक है, क्योंकि इसमें 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस के विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ करता है, जैसा कि चित्र 4.5 में दर्शाया गया है। इसकी बात कर रहा हूं, मेथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, ठीक है।
सीधी सी बात है, सी एच फोर यानी कि सी बीच में हो गए और इससे कितने चार्ज जुड़ गए, चार एच है आप देख रहे हैं, एच एच हाइड्रोजन कितने चार इसमें। इस प्रकार दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसहयोजी आबंध कहलाते हैं। क्या? इस प्रकार दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध क्या कहलाता है? सहसहयोजी आबंध कहलाता है। सहसहयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है लेकिन इसका अंतराणु बल दुर्बल होता है, फलस्वरूप इन युग्मों के क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। चूंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं, सामान्यतः ऐसे सहसहयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कैसे? कुचालक ना ही सुचालक। फिर आप सुनते रहते हैं कार्बन की अपर रूप क्या, कितने हैं अपर रूप, इन्हें भी देख लेते हैं। प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाए जाते हैं। हीरा ग्रेफाइट दोनों कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। कौन कौन से? हीरा, हीरा आप लोग सुनते होंगे, पन्ना का हीरा, पन्ना एमपी आप लोग जानते होंगे मुझे लगता है। कार्बन के परमाणु के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर इनमें क्या अंतर होता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के चार अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है। हीरे में कार्बन का कार्बन के चार अन्य अणुओं के साथ आवंटित होता है जिसमें एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के तीन अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है जिसमें षटकोणीय व्यू मिलता है। इनमें से एक आबंध द्वि आबंधी होता है जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होता है। देख लीजिए आप लोग, हीरे की संरचना किसकी, हीरे की संरचना और एक ग्रेफाइट की संरचना हो गई और C60 मिंस टर्फुलरीन की संरचना हो गई। इन दो विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरे ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर है। हीरा अब तक का सबसे कठोर पदार्थ है, ये भी कई बार पूछ लेता है ना कि आपसे। बहुरूपों की बात करें जैसे ग्रेफाइट हो गया, कोयला भी एक तरह से आप सही है, कार्बन का ही अपर रूप तो है, समझ रहे हैं, ग्रेफाइट कोयला ये भी। जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। पिछले अध्याय में आपने जिन अधातुओं के बारे में अध्ययन किया उनके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्या? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और क्या है? अधातु है, समझे। शुद्ध कार्बन की अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। ये संश्लिष्ट हीरे आकार में छोटे होते हैं लेकिन अन्यथा ये प्राकृतिक रूप से आभेदनीय होते हैं। फुलेरीन कार्बन अपरूप का अन्य वर्ग है। सबसे पहले C60 की पहचान की गई जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चूंकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुम्बद के समान लगते हैं इसलिए इस अणु को फुलेरीन नाम दिया गया। इस तरह से आप देख रहे हैं ना, ये है। अब चलते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग सॉल्व करते रहिएगा अगर करना है तो अच्छे से बैठ के। मुझे लगता है आप लोग देखिए पुराने क्वेश्चंस पेपर 5 से 6 साल के उठा के देख लीजिए, आपने देखा होगा डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी नहीं आया है साइंस से लिखने के लिए कि इस तरह से लिखने के लिए आया कि इसकी आपको संरचना बनाइए या क्या बनाइए। एक सामान्य जानकारी साइंस की होनी चाहिए आपको, समझे। आप देखेंगे फिर तो आपको टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वही क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल, ठीक है। ये तो एक तरह से आपको NCERT इसलिए कहा जाता है कि आपका बेस मजबूत हो जाए, आप लोग थोड़ा पढ़ लें, जानकारी रहे आपको कि आप देखिए आगे चल के आपने ग्रेफाइट नाम सुना, आपको मालूम तो होना चाहिए कि ग्रेफाइट का मतलब क्या है। इसका आपको यही मालूम नहीं कि कार्बन का अपरूप है तो कैसे आप लोग उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति की बात करें तो विभिन्न तत्वों एवं युग्मों में हमने इलेक्ट्रॉनिक साझेदारी द्वारा सहसहयोजी आबंध का निर्माण देखा है।
हमने सरल कार्बन यौगिक मेथेन की संरचना भी देखी है। अध्याय के आरंभ में हमने देखा है कि कितनी वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है। वस्तुतः हम स्वयं भी कार्बन के यौगिकों से बने हुए हैं। हाल ही में रसायन शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बन यौगिकों की गणना की गई, जो कि लगभग कई मिलियन आंकी गई है। अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर इनकी संख्या उन सभी सबसे कहीं अधिक है। ऐसा क्यों है? यह गुणधर्म केवल कार्बन में ही मिलता है, किसी और तत्व में नहीं। सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। कार्बन में दो कारक देखे गए हैं। आप देखिए CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। मान लीजिए कार्बन ना हो तो आप समझिए कि ऑक्सीजन जो आज हम लोग लेते हैं ना, ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है ना, और हम कार्बन डाइऑक्साइड में बदल के छोड़ देते हैं। तो एक तरह से आप कहिए कि हमारे जो फेफड़े हैं, एक फेफड़े का हिस्सा हमारे शरीर में है, दूसरा पेड़ों पर है, या फिर कह लीजिए आप लोग की समुद्रों में है, कि जो भी आपका ऑक्सीजन में बदलता है इसे, वो आपका एक तरह से फेफड़े हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि अगर CO2 खत्म हो जाए, यानी कि कार्बन खत्म हो जाए, तो ऑक्सीजन में भी मुश्किल होगी। आप समझ रहे हैं? ऑक्सीजन मतलब आप सीधी सी बात, कार्बन भी कई मतलब कई जो आपके ऐसे चीजें हैं जो कार्बन का यूज करते हैं, सीधी बात हम लोग भी करते हैं। ठीक, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसमें बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुणन को श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय में व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। साथ ही कार्बन के परमाणु एक या फिर द्वि अथवा त्रि आबंध से जुड़े हो सकते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। याद रखिए, एक बंध से भी जुड़ा हो सकता है, द्वि आबंध से भी, त्रि आबंध से भी, किसी भी से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक आपके क्या कहलाते हैं? संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। अगर आपसे बात करूं द्वि अथवा त्रि आबंध वाले कार्बन यौगिकों की, तो इसे कहते हैं आप लोग असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। कार्बन यौगिकों में जिस सीमा तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, वह किसी और तत्व में नहीं मिलता है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है, जिसमें 7 या फिर 8 परमाणुओं तक की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होते हैं और यह स्थायी भी होते हैं। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणु के साथ आबंधन की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु के कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर निर्भर करते हैं। अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यधिक प्रबल होते हैं, जिसके फलस्वरूप ये यौगिक अतिशय रूप में स्थायी होते हैं। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारक कारण इसका छोटा आकार भी है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। अब बात कर लेते हैं कार्बनिक यौगिक की। कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट लक्षणों चतुर संयोजकता और श्रृंखलन से बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। अनेक यौगिकों के अकार्बनिक परमाणु अथवा परमाणु के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थ से प्राप्त किया गया था तथा यह समझा गया था कि ये कार्बन यौगिक अथवा अकार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं। यह माना गया है कि उनके संश्लेषण के लिए जीवन शक्ति आवश्यक थी। 1828 में फ्रेडरिक बोहलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इसे असत प्रमाणित किया, लेकिन कार्बाइड कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बनिक यौगिक का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत होता है। अब बात करते हैं हम लोग संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों के बारे में। मेथेन की संरचना हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन जैसे हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक एथेन है, जिसका सूत्र क्या होता है? C2H6। जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक कौन सा है? एथेन, जिसका सूत्र क्या है? C2H6। सरल कार्बनिक
यौगिकों की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं को एक आबंध के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है, फिर कार्बन की शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए निम्न चरणों में एथेन की संरचना को प्राप्त किया जाता है। देखिए सीसी एक आबंध के द्वारा जुड़े कार्बन परमाणु, एक आबंध मतलब आप समझ रहे हैं एक लाइन सीधी सी, ठीक है। प्रत्येक कार्बन परमाणु की तीन संयोजकता असंतुष्ट रहती है और अतः प्रत्येक आबंध तीन हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ साथ किया जाता है जिसका निम्न प्राप्त होता है, देखिए इस तरह से, और ये आप देख रहे हैं चरण सेकंड हो गया, ठीक है। तीन हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़े प्रत्येक कार्बन परमाणु एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को 4.6C दर्शाता है, इस तरह से। आप इनकी अगर संख्या काउंट करें तो ये उतना ही होगा, देखिए सी टू था ना, एक एक दो, और आपकी एच सिक्स था, तो यहां भी देख सकते हैं आप लोग एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। क्या आप इसी प्रकार प्रोपेन की संरचना चित्रित कर सकते हैं जिसका आणविक सूत्र C3H8 होगा। आप देखेंगे कि सभी परमाणुओं की संयोजकता उनके बीच बने एक आबंध से संतुष्ट होती है, ऐसे यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहते हैं। सामान्यतः ये यौगिक अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते हैं, किंतु कार्बन एवं हाइड्रोजन की एक अन्य यौगिक का सूत्र C2H4 जिसे एथीन कहते हैं, जिससे अणु को कैसे चित्र इस अणु को कैसे चित्रित कर सकते हैं, पहले जैसे चयनबद्ध विधि अपनाएंगे। देखिए इस तरह से एक आबंध के द्वारा जुड़े कार्बन परमाणु चरण एक हो गया। यहां आप देखेंगे, हम देखते हैं कि प्रति कार्बन परमाणु की एक संयोजकता असंतुष्ट रहती है, यहाँ चरण सेकंड। इसको तभी संतुष्ट किया जा सकता है जब दो कार्बनों के बीच द्वियाबंध हो जिसमें हम निम्न प्राप्त हो। देखिए यहां देखिए द्वियाबंध, यहाँ एक आबंध था तो संतुष्ट नहीं था, दूसरा है तो आप संतुष्ट है, ठीक है। 4.7 में एथीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दी गई है, यहां देख लीजिए हाइड्रोजन एवं कार्बन की अन्य यौगिकों का सूत्र C2H2 है जिसे एथाइन कहते हैं। क्या आप एथाइन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना का चित्रण कर सकते हैं? इनकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने आबंध आवश्यक हैं? कार्बन परमाणुओं के बीच इस प्रकार द्वि या फिर त्रि आबंध वाले कार्बनिक यौगिकों को कार्बन यौगिक कहते हैं और ये संतृप्त कार्बन के यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। वही है कि देखिए आप लोगों को दो चार उदाहरण लगवा दिए जाते हैं, उसके बाद आप लगाते रहिएगा, ठीक है। आपको उदाहरण से समझ में आ गया तो आप निकल जाइएगा। मेरा यही कहना है कि आप लोग मतलब इसमें कम ही भी दिए, पहली बार आप जब पढ़ रहे हैं CGRT तो उसे आप लोग एक नॉर्मल तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है, एक से दो बार आपके पास सब कुछ मालूम चल जाएगा आपको कि क्या हो रहा है। आप देखते हैं ना कि आप लोग जब एक से दो बार अटेम्प्ट देते हैं तो आपको मालूम चल जाए क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं। इसीलिए तो आपसे कहा जाता है कि आप पहले ही क्वेश्चंस देख लीजिए, 5 साल के, कम से कम 5 से 6 साल की। मैंने भी आपके सॉल्व करवा दिए थे वैसे, स्टेट PCS, MPPSC, UPPSC और UPPCS, इनके तो करवा दिए हैं, तो इन्हें 5 से 6 साल 7 साल के देख लेंगे तो कम से कम अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इससे ये होगा कि आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं तभी आप सक्सेस हो जाए, ठीक है। तो समय रहते हुए इन्हें भी आप लोग पढ़ लीजिए। अब श्रृंखलाएं और शाखाएं एवं बलय, पिछले खंड में हमने क्रमशः 1, 2, 3 कार्बन परमाणुओं वाले कार्बन यौगिकों मेथेन एथेन और प्रोपेन की चर्चा की है। कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला इस प्रकार की श्रृंखला में 100 कार्बन परमाणु हो सकते हैं। इनमें 6 के नाम और संरचना सारणी 4 पॉइंट में दिए गए हैं, देख लीजिए आप लोग। ये परमाणु कार्बन परमाणुओं की संख्या हो गई, नाम हो गया, सूत्र हो गया, संरचना हो गया। मेथेन देख सकते हैं CH4, एथेन C2H6। याद रखिए यहां जितने आप देखेंगे सी कितने हैं 2 और एच कितने हैं 6, तो यहां आप गिनेंगे तो उतनी ही संख्या आएगी, ऐसा नहीं कि बदल जाए, ठीक है। प्रोपेन ये आपका देख सकते हैं संरचना, और ब्यूटेन हो गया है, ये पेंटेन हो गया और हेक्सेन हो गया, ठीक है। किंतु आइए हम ब्यूटेन पर पुनर्विचार करें। यदि हम 4 कार्बन परमाणुओं से कार्बन कंकाल बनाएं तो हमें पता चलता है कि 2 विभिन्न कंकाल बन सकते हैं, इस तरह से। देखिए एक तो इस तरह से बन सकता है, एक इस तरह से बन सकता है, 2 संभावित कार्बन कंकाल। वही हाल है कि आप लोगों को कहीं जाना है, 2 रास्ते हैं, एक इस रास्ते से जा सकते हैं, एक उस रास्ते से जा सकते हैं, वही बताया जा रहा है।
शेष संयोजकता के स्थान पर हाइड्रोजन भरने से हमें निम्नलिखित प्राप्त होते हैं, ये चित्र है आपका C4H10 सूत्र से दो संरचनाओं के लिए संपूर्ण अणु, यानी कि कहने का मतलब है इन्हें भी दो तरह से कर सकते हैं। हम देखते हैं कि इन दोनों संरचनाओं में एक ही सूत्र C6 माफ करिए C4H10 है, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाएं वाले ऐसे यौगिक संरचनात्मक समावयन कहलाते हैं। क्या? संरचनात्मक समावयन कहलाते हैं। सीधी तथा शाखाओं वाली कार्बन श्रृंखलाओं के अतिरिक्त कुछ यौगिकों में कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है C6H12 और उसकी संरचना इस तरह से हो सकती है। देखिए इस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से साइक्लोहेक्सेन की संरचना ए और कार्बन कंकाल बी संपूर्ण अणु है। क्या आप साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं? सीधी श्रृंखला, शाखी श्रृंखला और चक्रीय कार्बन यौगिक सभी संतृप्त अथवा असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं, जैसे ब्रंजीन C6H6 की संरचना। देखिए आप लोगों को बड़ा मतलब बोरिंग लगता है साइंस, क्योंकि याद रखिए आप अगर प्रैक्टिकल करके क्लास में बैठ के करवा रहे होते, सर प्रैक्टिकल करके करवा रहे होते आपको, तो मुझे लगता है कि बेहतर आपको समझ में भी आ रहा होगा, आता और बेहतर आप कर पाते। अब देखिए यहाँ आप अंदाजा लगाते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आप देखते भी हैं कि टेंथ के बाद आपकी साइंस खत्म कर दी जाती है। इसके बाद आपको पढ़ने की सलाह नहीं दी जाती है कि साइंस आप लोग पढ़िए, एक नॉर्मल जानकारी लीजिए और निकल जाइएगा। फिर आप देखते हैं हिस्ट्री हो, फिर चाहे आपका इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, समझ रहे, पॉलिटी हो, तो ये सभी आगे आपको पढ़नी पड़ती है। ठीक है, केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले ये सभी कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या फिर अधिक द्विआबंध होते हैं एल्कीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्कीन। एक या अधिक त्रिआबंध वाले एल्काइन कहलाते हैं। ठीक है, मुझसे दोस्ती करोगे, इसे भी देख लेते हैं क्या बोला है, दोस्ती करेंगे। कार्बन अत्यंत मैत्रीपूर्ण तत्व है। अब देखिए कई बार मैंने देखा है, कई जगह किसी ने बताया भी है कई बार, कि वनडे एग्जाम में भी पूछ लेता है कि अत्यंत मैत्रीपूर्ण यानी कि मित्रता करने वाला तत्व कौन सा है, तो कार्बन है। अभी तक हमने कार्बन तथा हाइड्रोजन की यौगिकों की चर्चा की है, लेकिन कार्बन अन्य तत्वों जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है, और हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या फिर अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विषम परमाणु। यह विषम परमाणु कुछ विकारात्मक समूहों में भी उपस्थित होते हैं, जैसा कि सारणी 4.3 में दिया गया है। यह विषम परमाणु और वे विकारात्मक समूह जिनमें यह उपस्थित होते हैं यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते हैं, फलस्वरूप यह विकारात्मक समूह कहलाते हैं। सारणी 4.3 में कुछ महत्वपूर्ण विकारात्मक समूह दिए गए हैं। एकल रेखा के द्वारा समूह की मुक्त संयोजकता अथवा संयोजकताएं दर्शाई गई। हाइड्रोजन की एक या फिर अधिक अणुओं को प्रतिस्थापित करके इस संयोजकता के द्वारा विकारात्मक समूह कार्बन श्रृंखला से जुड़े रहते हैं। इसे देखिए आप लोग 4.3 कार्बन यौगिकों में कुछ विकारात्मक समूह है। ये विषम परमाणु हो गए, ये यौगिकों का विकार हो गया, विकारात्मक समूह का फार्मूला हो गया Cl या फिर Br, हेलो या क्लोरो या ब्रोमो एल्केन या Cl Br, हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापी। ऑक्सीजन की बात करें, एल्कोहल OH, एल्डिहाइड, कीटोन, ए डबल आपका हेलिकल है, ठीक है, डबल आबंध और द्विआबंध या कह सकते हैं आप लोग, कार्बोक्सिक्लिक अम्ल, ठीक है। अब बात करते हैं समजातीय श्रेणी। आपने देखा है कि कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं। ये श्रृंखलाएं साकेत भी हो सकती हैं और हो सकती हैं, साथ ही इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणुओं को उपयुक्त किसी भी विकारात्मक समूह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। एल्कोहल जैसे विकारात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिक के गुणधर्मों को तय करती है, चाहे कार्बन श्रृंखला की लंबाई कुछ भी हो, जैसा कि CH3OH, C2H5OH, C3H7OH अथवा C4H9OH के रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता है, अतः यौगिकों
कि ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का विकारात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी। अब हम सारणी 4.2 में वर्णित समजातीय श्रेणी में देखेंगे। यदि हम उत्तरोत्तर यौगिकों के सूत्रों को देखें तो जैसे CH4 C2H6, इसमें आप देखेंगे CH2 इकाई का अंतर है और C2H6 तथा C3H8, इसमें आप देखेंगे CH2 इकाई का अंतर है। कैसे कह रहे हैं CH2 इकाई का अंतर है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि C2H6 और C3H8 इसमें कितना अंतर है, क्या अंतर है? तो एक C इसमें जाना है और H इसमें दो है, तो आप देख रहे हैं ना कि यही अंतर दर्शाया गया। अगले यौगिकों की बात करें तो प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन की बात करें तो C4H10 में क्या अंतर है, आप निकाल सकते हैं ना, एक और दो यानी कि CH2। ठीक है, क्या आप इन यौगों के आणविक द्रव्यमान में अंतर ज्ञात कर सकते हैं? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 ही हुए और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 हुए हुए। इस प्रकार एल्किनों की समजातीय श्रेणी को देखिए। श्रेणी का पहला सदस्य एथेन है जिसके बारे में हम पहले ही अनुभाग 4.2.1 में अध्ययन कर चुके हैं। एथेन का सूत्र क्या है? उत्तरोत्तर सदस्यों की के सूत्र C3H6 × C4H8 और तथा C5H10 है। क्या इनमें भी CH2 इकाई का अंतर है? तो आप देखेंगे इसमें देखिए इसमें और इसमें आप देखेंगे CH2 का ही अंतर है। इसमें देखेंगे तब भी CH2 का, अगर इसमें पहले और तीसरे में देखेंगे तो इसमें आप दो यानी कि C2 और H4 का अंतर दिखाई देगा आपको। क्या आपको इन यौगिकों में कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या के बीच कोई संबंध प्रतीत होता है? एल्किनों का समान सूत्र CnH2n के रूप में लिखा जा सकता है जहां आप n बराबर 2, 3, 4 रख सकते हैं। क्या आप इस प्रकार के एल्किनों तथा एल्काइन के समान सूत्र बना सकते हैं? जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बनता है तो भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है। किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुणधर्म भी इस प्रकार की क्रमबद्धता दर्शाते हैं, किंतु पूर्ण रूप से विकारात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। अब क्रियाकलाप 2.4 को भी देख लीजिए, पढ़ लीजिए और निकल जाइए, इसे आप ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाइएगा। आप में से अधिक लोग क्या करते हैं कि पहली बार में ही आप सोचते हैं कि 100% कवर हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। आप कोई भी बुक्स पढ़ते हैं तो मुझे तो लगता है कि एक बार आप नॉर्मल तरीके से पढ़ लें, क्या होगा कि एक मालूम तो चल जाएगा कि इस बुक्स में आखिर है क्या। आप समझिए कि पहले से ही आप पहला दिन है और आप तभी से रटना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि संभव नहीं हो पाएगा। सूत्रों तथा आणविक द्रव्यमानों में अंतर की गणना कीजिए, इनमें आप करते रहिए, आप पहले कर भी चुके हैं। क्या इन तीनों में कोई समानता है? एक परिवार तैयार करने के लिए इन एल्कोहलों को कार्बन परमाणु के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनका एक समजातीय श्रेणी का परिवार कहा जा सकता है? सारणी 4.3 में दिए गए अन्य प्रकारात्मक समूहों के लिए 4 कार्बनों तक के यौगिकों वाली समजातीय श्रेणी तैयार कीजिए। याद रखिए अगर आप 10th 12th से ही तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपके पास काफी टाइम है, आप लोग बेहतर टाइम निकाल के करते रहें इसे। अब बात करते हैं कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। किसी समजातीय श्रेणी में यौगिकों के नाम का आधार बेसिक कार्बन की उन मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होता है जिनको विकारात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार पूर्व लग्न, उपसर्ग या फिर अनुलग्न प्रत्यय के द्वारा संशोधित किया गया हो। जैसे कि क्रियाकलाप 4.2 में लिए गए एल्कोहलों के नाम मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल है। निम्न विधि के द्वारा किसी कार्बन यौगिक का नामकरण किया जा सकता है। यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिकों का नाम प्रोपेन होगा। विकारात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्व लगन अथवा अनुलग्न के साथ यौगिक के नाम में दर्शाया जाता है। सारणी 4.2 के अनुसार यदि विकारात्मक समूह का नाम अनुलग्न के आधार पर दिया जाना हो तथा यदि विकारात्मक समूह के अनुलग्न नाम स्वर AEIOU से प्रारंभ होता हो तो कार्बन श्रृंखला के नाम से अंत का ई हटाकर
उसमें समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित करते हैं। जैसे कीटोन समूह की तीन कार्बन श्रृंखला कार्बन वाली श्रृंखलाओं को निम्न विधि से प्राप्त किया जा सकता है। प्रोपेन ई प्रोपेन प्लस वन प्रोपेन वन देख रहे हैं प्रोपेनॉन। असंतरित कार्बन श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला के नाम में दिए गए अंतिम एन को साइनी 4.4 के अनुसार ई एन ई या फिर बाई एन ई से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। जैसे द्वि आबंध कार्बन तीन आबंध की श्रृंखला प्रोपेन कहलाती है और त्रि आबंध वाली आबंध होने पर यह प्रोपाइन कहलाती है। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति है, देखिए यौगिकों का यौगिकों के क्या हो गए विकार, ये पूर्व लगन या अनुलगन उदाहरण होगा हेलो हेलो एल्केन पूर्व लगन क्लोरो ब्रोमो आदि, इस तरह से क्लोरो प्रोपेन। फिर आपका देख सकते हैं ये ब्रो ब्रोमो प्रोपेन, एल्कोहल अनुलगन ओएल, ये आप देख सकते हैं प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड अनुलगन अनुलगन ए एल प्रोपेनल ठीक है। कीटोन अनुलगन ओन प्रोपेनॉन। कार्बोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल अनुलगन वाइट एसिड यानी कि नोइक अम्ल प्रोपेनोइक अम्ल। एल्कीन हो गया अनुलगन ई एन ई, तो ये हो गया प्रोपीन। एल्काइन इसमें आप देखेंगे बाई एन ई अनुलगन प्रोपाइन। ये भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी देखते रहिएगा। अब बात करते हैं हम लोग कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। इस भाग में हम कार्बन यौगिकों के कुछ रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। चूंकि हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश ईंधन में कार्बन अथवा उसके यौगिकों ने होते हैं, अतः सर्वप्रथम हम दहन के विषय में पढ़ेंगे। दहन क्या है? अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं विकास के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये तो आप लोग सुनते हैं ना, CO2 जानते हैं। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं विकास को मुक्त करते हैं। निम्नलिखित वे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं जिनका अध्ययन आपके पहले अध्याय में किया गया था। आप लोग देखिए कि आप ऐसा कमरा लीजिए जहां ऑक्सीजन प्रवेश ना कर पाए, आप कोई भी चीज जलाइए वो चलेगी नहीं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आप ऑक्सीजन की जरूरत जरूर होती है जलाने के लिए। अब देखिए सी प्लस ओ टू यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, सीओ टू प्लस ऊष्मा एवं विकास। सी एच फोर मैथेन ओ टू ए क्रिया करके सीओ टू बना रहा है, एच टू जल भी दे रहा है प्लस ऊष्मा एवं विकास। सी सिक्स माफ करिए सी थ्री सी एच टू ओ एच और कार्बन माफ करिए ऑक्सीजन सीओ टू एच टू ओ ऊष्मा एवं विकास। पहले अध्याय में अध्ययन की गई विधि से दो और तीन अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। क्रियाकलाप 4.3 इस क्रियाकलाप के लिए शिक्षक का पर्यवेक्षक अनिवार्य है। देख लीजिए संतुलित करने का मतलब है कि दोनों बराबर होना चाहिए। अब आप समझिए सी एच यहां तो सही है सी प्लस ओ टू यानी कि सीओ टू, यहां देख लीजिए आप लोग बदल गया, यहां आप देख रहे हैं कि आपके क्या है सी यानी कि कार्बन एक है ऑक्सीजन दो है ठीक है, तो यहां आपका हो गया और सी फोर बचा हुआ है। तो आप देखेंगे सी फोर कहाँ है आप मतलब एच फोर यानी कि हाइड्रोजन के चार अणु कहाँ है, यहां तो केवल दो है। तो इति प्रतिस्थापित करने की बात करते हैं ठीक है, या इस तरफ भी कर सकते हैं आप लोग किसी भी तरह से। वही हाल है कि या तो आप लोग क्या कर सकते हैं, दो पल्ले हैं आपके तराजू के, तो दोनों तरफ जिस तरफ वजन ज्यादा है उन्हें दोनों को बराबर करना है, तो या तो उस तरफ से हटा दीजिए इस तरफ से कर दीजिए, दोनों बराबर किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, दो जोड़ के या घटा के जो भी आपको अच्छा लगे। एक स्पैचुला में एक एक करके कुछ कार्बन यौगिक नेप्थिलीन कैम्फर एल्कोहन को लेकर जलाइए जलाते रहिए। ज्वाला की प्रकृति का प्रक्षेपण कीजिए और लिखिए कि धुआं उत्पन्न हुआ है या नहीं। ज्वाला के ऊपर धातु की एक तस्तरी रखिए, इनमें से किसी भी यौगिक के कारण क्या तस्तरी पर कोई निरीक्षण निक्षेपण होता है। आप लोगों को नहीं करना है, बार बार भूल रहा हूँ, आप लोग सोच लीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो करते रहिए बैठे रहिए। एक बुनसेन बर्नर जलाइए और तथा विभिन्न प्रकार की ज्वालाओं धुएं की उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए उसमें उसके आधार पर वायु छिद्र को व्यवस्थित कीजिए। पॉली कजली ज्वाला कब प्राप्त हुई है, नीली ज्वाला कब प्राप्त हुई है, छोड़िए हैं आगे बढ़ते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ
ज्वाला निकलेगी, जबकि असंतृप्त कार्बन यौगिक से अत्यधिक काली धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। इसके परिणाम स्वरूप क्रियाकलाप 4.3 में धातु की तस्तरी पर कजली निक्षेपण होगा, लेकिन वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बनों से भी कजली ज्वाला निकलेगी। घरों में उपयोग में लाई जाने वाली गैस केरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं, जिसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देती है। आप भी तो देखते होंगे कि स्टोव में भी वायु के लिए छिद्र होते हैं, दिखाई देते हैं। यदि कभी बर्तनों के तले काले होते हुए दिखाई दें तो उसका अर्थ होगा कि वायु छिद्र अवरुद्ध है, यानी कि रोके हुए हैं वायु छिद्र। ईंधन का व्यर्थ व्यय हो रहा है। कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती है। इनके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पर्यावरण में प्रमुख प्रदूषक भी है। एक बात आप लोग देखते होंगे, जब आपने देखा होगा कि चूल्हा लकड़ी से आप लोग खाना बनाते हैं तो ऊपर आप लोग कढ़ाई रखते हैं तो ढक जाता है चूल्हा पूरी तरह से, और गैस में आप लोग कढ़ाई देखते हैं तो उसके आसपास से निकलने के लिए रहता है, तो ऑक्सीजन निकलने के लिए काफी व्यवस्था होती है। तो इसमें आप देखते होंगे कि कभी काला भी नहीं होती है, आप लोग कढ़ाई गैस पर रखते हैं तो कहाँ काली होती है, लेकिन यही चूल्हे पर आप करते हैं वही कढ़ाई रखी है तो काली हो जाती है, तो यही हाल है। तो आप भी अपनी दैनिक जीवनचर्या में भी इसका नियम देख सकते हैं। क्यों जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं अथवा नहीं करते हैं? क्या आपने कभी कोयले अथवा लकड़ी की अग्नि को देखा है? यदि नहीं तो अगली बार जब भी अवसर मिले तो आप ध्यान से देखिए लकड़ी अथवा कोयले को जलना आरंभ होने पर क्या होता है। आपने देखा कि एक मोमबत्ती या गैस स्टोव की एलपीजी जलते समय ज्वाला उत्पन्न करती है, यद्यपि आप देखेंगे कि अंगीठी में जलने वाला कोयला अथवा तारकोल कभी कभी लाल रंग के समान उज्ज्वल होता है तथा बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। लकड़ी अथवा तारकोल जलाने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पित हो जाते हैं तथा आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं। गैसीय पदार्थों के परमाणुओं को ताप देने पर एक दीप्त ज्वाला दिखाई देती है तथा उज्ज्वल होना आरंभ करती है। प्रत्येक तत्व के द्वारा उत्पन्न रंग उस तत्व का अभिलाक्षणिक गुण होता है। गैस स्टोव की ज्वाला में तांबे के तार को जलाने का प्रयास कीजिए और इसके रंग का परीक्षण कीजिए। आपने देखा है कि अपूर्ण दहन से कज्जल उत्पन्न होती है जो कार्बन होता है। इसके आधार पर आप मोमबत्ती को पीले रंग की ज्वाला का क्या कारण बताएंगे? कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण। कोयले तथा पेट्रोलियम का, ये भी तो कार्बन से ही बनते हैं। कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा से होता है जो विभिन्न जैवकीय तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर रहता है। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्ष फर्न अन्य पौधों के अवशेष का अवशेष है। संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण ये धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दब गए थे तथा धीरे धीरे क्षय होकर एक कोयला बन गए। तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधे जीवों के अवशेष हैं। उनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्र तल में डूब गए या फिर गाद से ढक गए। उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया के आक्रमण से प्रबल दाब के कारण तेल अथवा गैस का निर्माण हुआ है। इस बीच गाद धीरे धीरे दबकर चट्टान बन गई। चट्टानों के छिद्रित भागों से तेल अथवा गैस का रिसाव हुआ और ये पानी में स्पंज की तरह फंस गए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोयले पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? एक बात और आपको बता दूं, यहाँ आप लोगों ने देखा होगा, कहा जाता है कि ये मतलब कुछ समय के बाद कोयला और पेट्रोलियम खराब खत्म हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब कि इसकी जो बनने की दर है वो बहुत धीमी है, लाखों साल लग जाते हैं, लेकिन उपयोग की दर है उसे आप जानते हैं कि बहुत टाइम, मतलब कुछ ही टाइम में आप खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा पर भी ध्यान दिया जा रहा है, पानी की ऊर्जा पानी से हो गया, फिर चाहे आपकी सौर ऊर्जा हो गई। ये क्या रहेगा कि आप जब तक जिंदगी रहेगी धरती पर तब तक आपके साथ चलते रहेंगे, और आपके पास कोई ऐसा विकल्प भी तो होना चाहिए कि आगे कोयला खत्म होने के बाद आपको कम से कम साथ रहे, वरना बिना विद्युत के या बिना ऊर्जा के तो संभव नहीं है आपकी जिंदगी। तो इसलिए इस तरह की देखा जा रहा है, ठीक है? तो आप समझिए कि इसी तरह से आप पेट्रोलियम, आप लोगों ने एक चमगादड़ का तेल सुना होगा, शायद गांव में आप रहते हैं तो लोग निकालते भी हैं, तो उसे देखना आप लोग, चमगादड़ का तेल, उसका उपयोग भी इसी तरह से वो लोग निकालते हैं, ठीक है? काफी कामों के लिए आता भी है वो। अब ऑक्सीकरण क्रियाकलाप 4.5 को भी देख लेते हैं। एक प्रणाली में 3 ml एथेनॉल लीजिए और इसके जल ऊष्मक में सावधानी से गर्म कीजिए। इस विलयन में क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट का 5% एक एक बूंद करके डालिए। डालने पर आरंभ में क्या पोटेशियम पर मैग्नेट का रंग बना रहता है? अधिक मात्रा में डालने पर पोटेशियम पर मैग्नेट का रंग लुप्त क्यों नहीं होता है?
प्रथम अध्याय में आपने ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया। दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। स्पूर्ण ऑक्सीजन ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं जिनमें एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। CH3 फिर आपका CH2OH एकल बंध है। फिर क्षारीय के MnO4 प्लस ऊष्मा, या फिर अम्लीय के की K2CrO2 प्लस ऊष्मा, ये आपका CH3COOH। ठीक है, देखिए अब इस तरफ भी आप लोग देख सकते हैं। हम देखेंगे कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं, कहा जाता है। यानी कि सीधा सा मतलब है कि कुछ पदार्थों में, जिन पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, उन्हें आप क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ कह देते हैं। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहलों को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, अतएव इनको ऑक्सीकारक कहते हैं। अब बात करते हैं संकलन अभिक्रिया। पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरक प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। और उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनका कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणता वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। वनस्पति तेलों में साधारणता लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। ये आप देख रहे हैं डबल आबंध से जुड़े हुए हैं, ये सिंगल आबंध निकेल उत्प्रेरक H2 देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन का उपयोग कर रहे हैं H2 का, तो यहाँ देख लीजिए आप बराबर। आपने देखा है कि कुछ विज्ञापनों में कहा जाता है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, साधारणतः जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए और असंतृप्त तेलों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन संतृप्त तेलों का उपयोग इसलिए रोका जाता है क्योंकि ये कई तरह के अवरोध भी उत्पन्न करता है शरीर में, आपकी जो धमनियां हैं सराएं हैं, तो इसलिए भी रोका जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनभिकृत होते हैं तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है, इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे का स्थान लेते हैं। साधारणतः उच्च समजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण भी होता है। CH4C+Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है, CH3Cl+HCl दे रहा है। इन क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं आप लोग। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक एथेनॉल एथेनोइक अम्ल। अनेक कार्बन यौगिक हमारे लिए अनमोल होते हैं, किंतु यहाँ हम व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण दो यौगिकों एथेनॉल और एथेनोइक अम्लों के गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। तो एथेनॉल के गुणधर्म देख लेते हैं हम लोग पहले। एथेनॉल कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। एथेनॉल के गलनांक एवं क्वथनांक के लिए साइडिंग 4.1 को देखिए। सामान्यतः एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है और तथा यह सभी एल्कोहली पेय पदार्थों का उपयोग का महत्वपूर्ण अवयव होता है। इसके अतिरिक्त यह एक अच्छा विलायक है, इसलिए इसका उपयोग टेंचर आयोडीन कप सिरप टॉनिक आदि जैसी औषधियों में भी होता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है और तनु एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। हालांकि एल्कोहल पीना निंदनीय है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है, लेकिन शुद्ध एथेनॉल परिशुद्ध एल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। काफी समय तक एल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगर एल्कोहल की बात करूं तो आप लोगों में से अधिकतर लोग अगर शौक रखते हैं तो इसके बारे में आपको बेहतर जानकारी होगी, समझ रहे हैं? तो ये गलत है। परिशुद्ध यानी कि शुद्ध एल्कोहल अगर पीते हैं तो ये बहुत बुरी तरह से घातक होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब देसी शराब बनाई जाती है तो उसमें कोई कुछ तो देखा नहीं जाता है, तो आप लोग सुनते भी तो रहते हैं कि इतने लोगों की जान गई, इतने लोग मारे गए, तो ये भी देखने को मिलता है। और जो क्वालिटी की आती है उसमें सबका ध्यान रखा जाता है। आप लोग कभी ऐसा मत करना, फिर भी अगर मतलब देखना हो तो कभी लेकर देखिए किसी बोतल को, उस पर सभी दिया होगा कि कितने प्रतिशत आपकी अल्कोहल है, क्या क्या है इसमें, ठीक है? तो महुआ माता पीने से अच्छा है, वैसे पीना तो कुछ नहीं चाहिए, माफ करिए,
लेकिन फिर भी आपका शौक है तो रोक थोड़ी सकता है कोई, तो आप उसे देखा करिए। क्रियाकलाप 4.6, शिक्षक के द्वारा विदर्शन, लगभग 2 चावल के आकार के बराबर सोडियम के एक छोटे टुकड़े को एथेनॉल में परिशुद्ध एल्कोहल में डालिए, छोड़िए ना, एथेनॉल की अभिक्रियाएं सोडियम के साथ अभिक्रिया, Na+2CH3CH2OH एक क्रिया करके क्या बना रहा है, 2CH3CH2O और Na+H2 सोडियम एथोक्साइड, ठीक है। एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है, ये देख रहा है आपको हाइड्रोजन गैस। एथेनॉल के साथ अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद सोडियम एथोक्साइड बनता है, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा दूसरा पदार्थ धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन बनाता है। एक बात और आपको बता दूं, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी आप लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन, क्योंकि आप सोचिए कि हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से जलकर भी जल के अगर ईंधन के रूप में बदलता है तो भविष्य का आने वाले समय का ईंधन भी बन जाएगा, इससे आप सोचिए प्रदूषण भी कम फैलेगा, क्योंकि आप समझिए हाइड्रोजन को जला रहे हैं ऑक्सीजन को जला रहे हैं, इसमें प्रदूषण कहां से उत्पन्न होगा, कार्बन तो है ही नहीं है इसमें। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया 443 केल्विन ताप पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर इथेन बनता है, इस तरह से CH3CH2OH गर्म सांद्र H2SO4 CH2CH2+H2O। इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकरण कारक के रूप में काम करता है जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। अब बात करते हैं सजीव प्राणियों पर एल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इसमें उपापचयी विक्रिया धीमी हो जाती है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, आप समझिए इसलिए रोका जाता है आपको कि मत पिए। इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा, उन्नींदापन, सामान्य अंतर्वाद का कम हो जाना, भाव शून्यता आती है, यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है लेकिन उसे पता नहीं चल पाता कि उसके सोचने समझने की क्षमता और मांसपेशी बुरी तरह प्रभावित हो गई है। एथेनॉल के विपरीत में एथेनॉल की थोड़ी सी थी मात्रा लेने की मृत्यु हो सकती है। यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनल बन जाता है, मेथेनल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ सही अभिक्रिया करने लगता है, इससे प्रोटोप्लाज उसी प्रकार स्कंदित हो जाता है जिस प्रकार पकाने पर अंडा स्कंदित हो जाता है। मेथेनॉल चासु तंत्रिका को भी प्रभावित करता है जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है, औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे यह पीने योग्य ना रह जाए। एल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है, इसे विकृत एल्कोहल कहा जाता है। अब आप लोगों में से कई लोग कहते हैं कि सर कोई भी पीता है कुछ नहीं होता है, तो याद रखिए वो तो वैसा ही है, आपकी अपवाद मान लीजिए। आप में से कई लोग कहते हैं कि NCERT बिना पढ़े भी कई लोगों ने सिलेक्शन पा लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि संभव है। देखिए NCERT कभी ना कभी उन्होंने पढ़ी जरूर होगी, आप देखते हैं CBSE बोर्ड में NCERT पढ़ने को कहा जाता है। आप अगर MP बोर्ड, UP बोर्ड के हैं या बिहार बोर्ड के हैं कहीं के, तो आपको NCERT पढ़ने के लिए नहीं कहा जाता है, आपको तो अपनी बोर्ड की परीक्षाएं की जो भी किताबें रहती हैं उन्हें पढ़ते हैं ना आप लोग, तो वो लोग पहले पढ़ चुके होते हैं इन बुक्स को, तो आप देखते हैं उनका सिलेक्शन जल्दी होने की संभावना भी रहती है, आपको पढ़ना पड़ता है और वैसे तो सबको पढ़ना चाहिए NCERT, तो ये रहता है। और मान लीजिए चलिए एक आध का अगर हो भी जाए तो मुझे लगता है कि उसका बैकग्राउंड पहले से ही तैयार होगा, तो आप ये मत कहिए कि कोई अंधा नहीं होता है, कोई किसी के स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है शराब पीने का। देखिए वो महान हो सकता है कि वो महान है, तो ये देखने को मिलता है। ईंधन के रूप में अगर हम लोग एल्कोहल की बात करें तो गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने का रस मोलिसस सिरा बनाने के उपयोग में लाया जाता है जिसका किण्वन करके एल्कोहल एथेनॉल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में एल्कोहल में प्रोटोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। पर आप देखेंगे एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म, इस क्रियाकलाप को पढ़ लीजिए पहले 4.7, लेटमस पत्र एवं सार्वित्रिक सूचक का उपयोग कर तनु एसिटिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के pH मान की तुलना कीजिए। क्या लेटमस परीक्षण में दोनों अम्ल सूचित होते हैं? सार्वित्रिक सूचक से क्या दोनों अम्लों के प्रबल होने का पता चलता है?
एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। एसिटिक अम्ल की 3-4% विलयन को सिरका कहा जाता है। इसे अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सिरका वैसे भी आप लोग देखते होंगे ना, आप लोग खाते भी होंगे। शुद्ध एथेनॉल अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है, इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। इस कारण इसे गैलिसल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिकों के समूह का अभिलक्षण इसकी अम्लता होती है। हालांकि खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं। यहाँ आप लोग देखिए इसे एस्टर का निर्माण, ए वर्नर हो गया, तिपाई हो गया, तार की जाली हो गई, ए बीकर हो गया, ए जल इसमें भरा हुआ है, परख नली अभिक्रिया में स्थित युक्त परख नली ए जली हुई है। ठीक है, इसे भी पढ़ लीजिए क्रियाकलाप 4.8 को। एक परख नली में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें 1-1 ml एथेनॉल परिशुद्ध एल्कोहल एवं ग्लेसल एसिटिक अम्ल ले लीजिए। कम से कम 5 मिनट तक जल ऊष्मक में उसे गर्म करें, जैसे कि चित्र 4.1 में दिखाया गया है। अब इसे उस बीकर में उड़ेल दीजिए जिसमें 20-50 ml जल हो और उस मिश्रण को सूंघिए। एथेनॉल अम्ल की अभिक्रिया, एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एथेनॉल अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। CH3COOH एथेनॉइक अम्ल प्लस CH3CH2OH एथेनॉल। ए अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बताऊं तो CH3CO CH2CH3H2 जल। ए एस्टर, सामान्यतः एस्टर की गंध मृदु होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों के रूप में भी किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है, एस्टर पुनः एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है क्योंकि इसमें साबुन तैयार किया जाता है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाली कार्बोक्सिलिक अम्लों सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। इसे देखिए CH3COOH C2H5 NaOH के साथ क्रिया करके C2H5OH प्लस CH3COONa। क्षारक के साथ अभिक्रिया की बात करें तो खनिज अम्लों की भांति एथेनॉइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण सोडियम एथेनोइट या फिर सोडियम एसिटिक तथा जल बनाता है। इस तरह से NaOH प्लस CH3COOH अभिक्रिया करके CH3COONa प्लस H2O जल। एथेनॉल अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे अभिक्रिया करता है जानने के लिए आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 4.3 अध्याय 2 के क्रियाकलाप 2.5 के अनुसार उपकरण तैयार कीजिए। एक परनली में एक स्पेचुला भरकर सोडियम कार्बोनेट लीजिए, उसमें 2 ml तनु एथेनॉइक अम्ल मिलाइए। आप क्या अपेक्षित करते हैं, ताजी चूने के जल में इस गैस को प्रभावित कीजिए, आप क्या देखेंगे। क्या इस परीक्षण से एथेनॉइक अम्ल एवं सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया से उत्पन्न गैस का पता चल सकता है। आप सोडियम कार्बोनेट के स्थान पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ यह क्रियाकलाप दोहराइए। कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, एथेनॉइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसिटेट कहते हैं। 2CH3COOH ए प्लस Na2CO3 अभिक्रिया करके 2CH3COONa प्लस H2O जल और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। इसी तरह से भी देख सकते हैं CH3COOH प्लस NaHCO3 ये अभिक्रिया करके CH3COONa प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड Cl। अब बात करते हैं साबुन और अपमार्जक, एक क्रियाकलाप को भी देख लीजिए आप लोग। दोनों में एक एक बूंद तेल डालिए, उन्हें ए और बी नाम दीजिए। परखनली बी में साबुन के घोल की कुछ बूंदें डालिए। दोनों परखनली नलियों को समान समय के तक जोर जोर से हिलाइए। क्या हिलाना बंद करने के बाद दोनों परखनलियों में आप तेल एवं जल की परतों को अलग अलग देख सकते हैं। कुछ देर तक दोनों परखनलियों को स्थिर रखिए और फिर उस पर ध्यान दीजिए, क्या तेल की परत अलग हुई है, ऐसा किस परखनली में होता है।
इस क्रियाकलाप से सफाई में साबुन के प्रभाव का पता चलता है। अधिकांश महल तेलीय होते हैं, जो आप जानते हैं कि तेल पानी में घुलनशील है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाली कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल से, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल संरचना तैयार करते हैं। इसे देख लीजिए, तेल की बूंदें, Na Na Na, इस तरह से संरचना मिसेल का निर्माण। जहां अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है, इसमें पानी में इमल्सन बनता है। इस प्रकार साबुन की मिसेल मैल को पानी बाहर निकालने में मदद करता है। हमारे कपड़े साफ भी हो जाते हैं। अब मिसेल की बात कर लेते हैं। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलेय एक सिरे को जल रागी कहते हैं तथा हाइड्रोजन में विलेय दूसरे सिरे को क्या कहते हैं? जल विरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है, तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि कार्बन हाइड्रोकार्बन पूंछ दूसरा छोर जल से बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है, जिससे इसका हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, जबकि जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होता है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि तेलीय मेल मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिसेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन के मिसेल विकास को विकीर्णित कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का गोल बादल जैसा दिखता है। इस क्रियाकलाप को भी देख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अलग अलग परख नलियों में 10 ml आसुत जल अथवा वर्षा जल एवं कठोर जल यानी कि हेडपंप या फिर कुएं का जल, दोनों में साबुन के घोल की कुछ बूंदे मिलाइए। दोनों परख नलियों को एक एक ही समय तक हिलाइए। उसमें बनने वाली झाग पर ध्यान दीजिए। किस परख नली में अधिक झाग बनता है, किस परख नली में श्वेत दही जैसा अवक्षेप बनता है प्राप्त होता है। शिक्षकों के लिए निर्देश, यदि आपके आसपास कठोर जल उपलब्ध नहीं है तो साधारण जल में हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फेट मैग्नीशियम या कैल्शियम की क्लोराइड को घोलकर कठोर जल तैयार कर सकते हैं यानी कि बना सकते हैं। क्रियाकलाप 4.12। दो परख नली लीजिए और प्रत्येक में 10 ml कठोर जल लीजिए। एक में साबुन के घोल की 5 बूंदें और दूसरे में अपमार्जक के घोल की 5 बूंदें डालिए। दोनों परख नलियों को एक ही समय तक हिलाइए। क्या दोनों में झाग की मात्रा समान है, किस परख नली में दही जैसा ठोस पदार्थ बनता है, तो आपको पढ़ना है केवल, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान दिया करिएगा। जब आप क्रियाकलाप पढ़ लेते हैं, उसके नीचे वाले पॉइंट को बड़े ध्यान से पढ़ लिया करिएगा। क्या आपने कभी स्नान करते समय अनुभव किया है कि झाग मुश्किल से बन रहा है? जल से शरीर धो लेने के बाद भी कुछ आघूलनशील पदार्थ इसकम जमा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। एक अन्य प्रकार के यौगिक यानी अपमार्जक का उपयोग कर इस समस्या को निपटाया जा सकता है। अपमार्जक सामर्थ्य लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं, जो क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। इन यौगिकों का अवस्थित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ आघूलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावी बन रहते हैं। सामान्यतः अपमार्जकों का उपयोग शैंपू या कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में भी होता है। तो सीधी सी बात कि आपने इस अध्याय में क्या सीखा है। ये अच्छी बात है कि चलिए, जितना एक तरह से कठिन भी ये चैप्टर सभी या बोरिंग लगते हैं, तो लास्ट में आपको निष्कर्ष दे दिया जाता है कि इस चैप्टर का पढ़ने का उद्देश्य आपका क्या था। तो ऐसे भी आप लोग देख लीजिए, कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है। कार्बन की चतुसंयोजकता एवं संकलन प्रकृति के कारण यह कई यौगिक भी बनाता है। अपने अपने बाहरी कोषों को पूर्ण रूप से भरने के लिए दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से संयोजक आवरण बनते हैं। कार्बन अपने या दूसरे तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन के साथ संयोजक आवरण भी बनाता है। कार्बन ऐसे यौगिक भी बनाता है जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रि आवरण होते हैं। कार्बन की यह श्रृंखला सीधी शाखायुक्त अथवा या फिर वलीय किसी भी रूप में हो सकती है।
कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता के कारण यौगिकों की एक समजाति श्रेणी उत्पन्न होती है जिसमें विभिन्न लंबाई वाला कार्बन श्रृंखला से समान विकारात्मक समूह जुड़ा होता है। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे समूह कार्बन यौगिकों का अभिलाक्षणिक गुण प्रदान करते हैं। कार्बन तथा उसके यौगिकों यौगिक हमारी ईंधन की प्रमुख स्रोत भी है। कार्बन यौगिक एथेनॉल एथेनोइक अम्ल का हमारे जीवन दैनिक जीवन में काफी महत्व भी है। साबुन एवं अपमार्जक की प्रक्रिया अणुओं में जल विरागी और जल विरागी दोनों समूहों की उपस्थिति पर आधारित है। इसकी मदद से तेलीय मेल मेल का पायस बनता है और बाहर निकलता है और आपके कपड़े क्या होते हैं, साफ होते हैं। ये आपके अभ्यास के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग लगाते रहिएगा, ठीक है। आपकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो ये कौन सा चैप्टर था आपका, चौथा, कौन सा, धातु एवं अधातु, माफ करिए कार्बन और उसके यौगिक, धातु अधातु हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। आगे मिलते हैं हम लोग पांचवें चैप्टर में, आपके तत्वों का आवर्त वर्गीकरण हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर में।